नमस्कार दोस्तों, उस कहानी की आगे की कहानी, गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी भाग दो। एक साल के बाद एक दिन की बात है, दादी ने नेहा को बहुत बातें सुनाई। दादी और नेहा की लड़ाई होते देख लुबना भी नेहा को बहुत फटकार लगाई। आज नेहा ने सोच लिया कि वो यहाँ से भाग जाएगी। नेहा ने अपने सब कपड़े पैक किए, घर पे सबकी नज़र से बचकर घर से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। नेहा अभी इस बात से अनजान थी कि भागी हुई लड़की देखकर कोई उसके साथ गलत कर सकता है। आमिर लुबना का रिश्ते में देवर लगता है। उसने देखा कि नेहा बहुत कपड़े लेकर घर से दूर निकल चुकी है। उसे कुछ अजीब लगा। वो जल्दी से लुबना के घर जाकर बोला, भाभी नेहा जा रही है। लुबना ने कहा, बाहर गई होगी सामान लेने। आमिर, नहीं भाभी, वो कपड़े का बैग लेकर जा रही है। काफ़ी आगे जाते मैंने उसको देखा है। ये सुनते ही लुबना परेशान हो गई, क्योंकि नेहा लुबना की जिम्मेदारी थी। लुबना बोली, उसको जल्दी पकड़ो। आमिर उसको ज़बरदस्ती पकड़ करके घर लाया। लुबना बोली, नेहा तुम पागल हो गई हो, कहाँ जा रही थी? तुम्हें पता है ज़माना कितना ख़राब है, तुम अपने घर तो नहीं पर किसी गलत हाथों में ज़रूर पहुँच जाती। लोग लड़की को बेच देते हैं, पता है तुम्हें? नेहा बोली लुबना से, अप्पी आपने हमें क्यों डांटा? पूरा घर हमसे लड़ा, हमें अपने घर जाना है। लुबना बोली, नेहा तुमको हर चीज़ दें, प्यार दें, पर थोड़ा डांट क्या दिया? तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आएंगे। बहुत जल्दी आज के बाद से तुम्हारा बाहर निकलना बंद। दूसरे दिन नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांगी। नेहा का लुबना के बच्चों के साथ लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। यह सब देखकर लुबना अब परेशान रहती। एक दिन की बात है, सब रात में सो रहे थे, अचानक घर पे कुछ बातें हुई। आधी रात को लुबना के उठा के बोला गया, अभी हम सबको लखनऊ जाना है, क्योंकि लुबना के पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। गांव के सब रिश्तेदार लोग आधी रात में घर आने लगे, सब चुप थे, बोले जल्दी जाओ। लोग लुबना की मदद कर रहे थे। पार्किंग में नेहा भी कार में सबके साथ चली गई। लुबना अपने मायके पहुँची, उसने देखा उसके पापा बाहर कुछ लोगों के साथ बैठे हैं। उसे अच्छा लगा, चलो पापा ठीक हैं। वो अंदर जैसे ही चली, रूम में पलंग पर सफ़ेद चादर में कोई लेटा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, कौन है? उसके पूरे मायके वाले सब बैठे थे। उसकी अम्मी बहन उसको देखकर रोने लगी। जैसे ही उसने चादर उठाया, उसका जवान बड़े भाई की लाश थी। यह देखकर नेहा बेहोश हो गई। उसने अपने भाई के बारे में सोचा भी ना था। सब बताने लगे, अचानक हार्ट अटैक की वजह से वो ख़त्म हो गए। नेहा से जवान भाई का सदमा सहा नहीं जा रहा था, वो अब पहले से कमज़ोर हो गई थी। इसी बीच ही नेहा की माँ भी ख़त्म हो गई थी। नेहा की माँ प्रेग्नेंट थी। उसका पति उसको पेट में लात मारता, उसको उठा के पटकता, जिससे पेट में बच्चा मर गया। उसका जहर नेहा की माँ के पूरे शरीर में फैलने की वजह से उनकी मौत हो गई। नेहा अब अपने शराबी बाप के साथ नहीं रह सकती थी। लुबना अब उसे अपने घर नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि बच्चों के साथ लड़ाई की वजह से बहुत परेशान रहती थी। नेहा अब दिन रात माँ को याद करके रोती और भूखी रहती, शराबी बाप की मार सहती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ जाए। 2 महीने बाद लुबना की खाला लुबना से कहने लगी कि उनकी बहू काम नहीं करती है, घर पर काम वाले की बहुत ज़रूरत है और कोई अच्छी काम वाली उन्हें नहीं मिलती है। खाला की ऐसी हालत देखकर लुबना ने कहा, खाला आप नेहा को ले जाइए, क्योंकि भाई के ख़त्म होने के बाद अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि बच्चों का भी टेंशन ले। बच्चे और नेहा में बहुत लड़ाई होती है, आप नेहा को अपने साथ ले जाइए, मैं अपने घर के काम के लिए दूसरी काम वाली रख लूँगी। लुबना की खाला बहुत अमीर घर की हैं, वो एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उनके लड़के गवर्नमेंट जॉब करते हैं और होटल बिजनेस भी है। नेहा लुबना की खाला के साथ उनके घर चली गई। उनके घर में खाला के लड़के बहू और खाला रहती थी और 2 बच्चे थे और एक लड़की थी जो कि 2 बच्चों से बड़ी थी। खाला बनारस में रहती थी। नेहा बनारस में जाने के बाद नेहा की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। नेहा का बचपना नहीं रह गया था, अब वो बड़ी और समझदार लड़की हो गई थी और अब उसे खाना बनाना भी आता था। उस घर की बहू बहुत ही कामचोर थी। नेहा किचन में क्या कर रही है, इससे बहू को कोई मतलब नहीं रहता था, इसलिए नेहा की किस्मत वहाँ जाने से चमक गई। वो उस घर की मालकिन जैसा फील करती थी। ना कोई रोक टोक, जी भर के खाना खाओ, कोई पूछने वाला भी नहीं क्या पका रही है। वो अपने लिए अच्छा अच्छा खाने का निकाल लेती, उसके बाद घर वालों को खाना देती। एक दिन खाला ने सोचा, इसका कटे होंठ का ऑपरेशन करा देते हैं, क्योंकि इसकी भी शादी करना है। खाला ने डॉक्टर के पास उसे ले गई।
डॉक्टर ने कहा, नेहा बहुत ही कमज़ोर है, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, इसको बहुत ब्लड की ज़रूरत है। खाला ने उसे अब घर का काम नहीं कराती थी, अब बस उसको आराम दिया जाता था। अनार का जूस और अच्छी अच्छी सेहत वाली खाने की चीज़ दी जाती थी जिससे उसको ब्लड बढ़ सके। एक महीने के बाद ब्लड बढ़ गया और डॉक्टर ने नेहा का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद घर वाले नेहा का बहुत ख्याल रखते। अब नेहा पहले से अच्छी दिखने लगी थी, उसके सबसे बड़ी कमी मिट गई थी, अब वो भी बाकी लड़कियों जैसी हो गई थी। नेहा अब बड़ी हो गई थी, उसकी शादी की बात भी चलती थी। अब नेहा बिल्कुल ठीक हो गई थी, वो अपनी बस्ती चली गई कुछ दिन घूमने के लिए। वो ट्रेन पे बैठे यही सोच रही थी कि ऑपरेशन के बाद मैं इतनी अच्छी लगने लगी हूँ, सब मुझे बस्ती में देखते ही रह जाएंगे। पर उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था जो वो सोच ही नहीं सकती थी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए भाग दो। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।